ओह, मैंने बहुत सारा काम कर लिया। अब मैं अपनी चीजें रखती हूँ और अब थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर पार्टी भी तो करनी है। कैली, मेरी हेल्प करोगी? कैली, कैली, क्या हुआ मम्मा? क्या कैली, हुआ मम्मा? मैं बिजी, मैं अपने गेम में हाई स्कोर बनाने वाली थी। क्या कर रहे हो मम्मा? वाला है ना ओ बेबी। मम्मा, मैं गेम खेल रही हूँ, प्लीज। हाँ, और आज तो हम स्टोर पर नहीं गई। मैंने हॉलीडे के लिए बंद कर दिया उसे। हाँ वैसे, हाँ मैंने कितना कहने लेजी काम वैसे है। मैं कहने वाली थी, हॉलीडे में कौन करता है। सॉरी, क्या करूँ मैं भाई, इतना सारा काम है। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। सोचती हूँ, बहुत डिसीजन, बहुत बड़ी है चीज है ये। कैली, अगर तुम्हें अरे मेरे घर में रहना है तो तुम्हें मेरे जैसा काम करना ही होगा, क्योंकि मुझे हेल्प करनी होगी। मम्मा, अपने घर पे कुछ नहीं खा सकती हूँ, ना मोबाइल देख सकती हूँ, ना टीवी देख सकती हूँ, ना लैपटॉप देख सकती हूँ, कुछ नहीं देख सकती और ना ही खेल सकती। जिंदगी बेकार हो गई है मेरी। आज सुबह से वैसे तुम वही काम कर रही हो कैली। ओ हाँ, लगता है मुझे। ठीक है कैली, अपना डिसीजन खुद लो, मैं आती हूँ। ओ टेबल, अरे ये तो शॉप है। कैली आप जल्दी आओ मेरे रूम में। क्या मम्मा, मैं इधर हाई स्कोर बनाने ही वाली हूँ। चिल्लाओ मत, बस 1 मिनट में। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज है। ओके मम्मा, 5 मिनट में आती हूँ, 5 मिनट में। ठीक है आओ। क्या हुआ मम्मा, आप ये तुम्हारी शॉप यहाँ क्या कर रही है? बेचारे शॉप को ठंडी लग जाती ना, मेरा प्यारा प्यारा शॉप। ओ मेरी बुक भी गिरा दी डिजाइनिंग की। ओ इसे ना तुम स्टोर रूम में रखो अगर हॉलीडे में। नहीं, अरे वो तो बहुत बड़ा काम है, मैं तो थक जाऊंगी। किया ठीक है, तो तुम्हारी शॉप तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। क्या? हाँ अच्छी बात है, मेरे सर का बोझ कम हो जाएगा। ठीक है, मैं चेल्सी को बोलूंगी इन्हें चलाने। मैं चेल्सी से ही हेल्प मांगती हूँ। हाँ जाओ, उनको तो कोई काम नहीं रहता इसलिए। हाँ मामा, ये पोस्टर मेरे सर पे गिर गया है। बिजी हो, प्लीज रख दो ना। माँ आप मुझे हमेशा थकाना चालती हो, आप आलसी हो गई हो, लेजी। तुम काम करो खुद का, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो। हाँ, मैं तो जा रही हूँ गार्डन में खेलने। ओ गार्डन में ठंडी नहीं जाना, लगेगी। वहां बहुत सारी स्नो है। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ बेडरूम में सोने। तुम्हें यहाँ क्लीन करना है, अगर जब तक मैं नहीं आया तुमने ये काउच का हालत ठीक नहीं किया। हाँ, सारी कुकीज तुमने गिराई, एक भी खाई नहीं। तुम्हें जल्दी से इसे ठीक करना होगा। अगर नहीं किया, मैं अगर आई 2 मिनट में आ तो। सॉरी मामा, गलती से गिर गई हूँ, मैं तो जा रही हूँ। कैली क्या करूँ मैं उसका, चलो चेल्सी से हेल्प मांगते हो। चेल्सी क्या तुम मेरी हेल्प करोगी क्लीनिंग में? हाँ मामा, मैं लिविंग रूम को क्लीन करती हूँ। ओ मेरी प्यारी बेबी, वैसे वो भी मुझे पसंद है, पर वो आज पता नहीं क्या हुआ उसे। कोई बात नहीं मम्मा, मैं आपकी आज हेल्प करती हूँ। चलो चलो चलो, मैं लिविंग रूम करूंगी। हुर्रे 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 हुर्रे, ओ मेरा पिलो चला गया टेडी बियर वाला। जाओ चेल्सी दीदी लेके आओ प्लीज। खुद ले लो, मैं अपना लैपटॉप उठा रही हूँ। ये तुमने मेरा परमिशन के क्यों लिया है? मेरा लैपटॉप है, तुम्हारे पास तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा उधर टैबलेट है ना। टैबलेट में मजा नहीं आता, लैपटॉप में मजा आता है। कंप्यूटर की तरह मैं उसमें हाई स्कोर बना लिया, पता है तुम्हें? पर ये मेरा है, बिना परमिशन के लेना है, सिर्फ मेरी स्टडीज के लिए, तुम्हारे फालतू कामों के लिए नहीं है। मैं कहना चाहती थी मैं काम करना ही होगा कैली। मैं जा रही हूँ, सारा काम मुझसे करवाते हैं। हाँ एक काम भी नहीं करती, सारा काम, क्या मजाक है। मैं कोई क्लीन करना पड़ेगा। मैं इतनी बड़ी हो गई फिर भी मुझे कोई मन से काम करने नहीं देता। हाँ वो मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं अकेले भी तो रह सकती हूँ। वाह इतना इच्छा, मुझे पहले कभी नहीं आया, क्यों नहीं आया? ओ अभी तो आ गया, चलो अब मैं जाऊंगी, खुद से रहूंगी। कहले मैंने लिविंग रूम की क्लीनिंग कर दी, तुम हाँ बाथरूम की कर दो। या थू थू थू, मैं बड़ी हो गई, मैं खुद से कर सकती हूँ। तुम मुझसे अभी भी 2 साल छोटी हो, नहीं 1 साल, नहीं एकदम मुझसे 10 साल छोटी हो। बस मैं किडिंग, मतलब मजाक कर रही हूँ। ओ मैं बड़ी हो गई। अगर तुम क्लीनिंग करोगी तो मैं तुम्हारे साथ टी बॉडी करूँ खेलूंगी।
और वैसे भी मैं बड़ी हो गई, टी पार्टी जैसे बच्चों जैसे काम मैं नहीं करती। क्या? ओ ठीक है, मेरे साथ पायरेट खेलने के लिए कोई परेशान करने के लिए नहीं रहेगा। ओ ये बकवास सा गेम, कौन खेलता है बच्चों की तरह? हाँ कैली तुम बदतमीज कैसे हो गई हो इतनी? बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज। मैं जा रही हूँ। ओ मैं, मुझे तो अपना पर्स चाहिए। ओ कुकीज भी उसी में रख देती हूँ। ओ कैली तुम कहीं पर भी जा रही हो मुझे उससे मतलब नहीं, पर बार भी मतलब मम्मा ने कहा है कि जो काम नहीं करेगा उसे कुकीज नहीं मिलेगी। मैं लेके जा रही हूँ। ठीक है लेके जाओ, मैं खुद से बना लूंगी। ओके अच्छी बात है, तुम बड़ी हो गई। ओ और टैबलेट ऑफ कोर्स, और मेरी बटरबीन डॉल कितनी अच्छी है। कैली तुम नहीं लेके जा सकती, क्यों? ये मेरी डॉल है, तुम बच्ची नहीं हो, तुम ही ने कहा। ओ ओ और मैं बड़े लोग की तरह काम करूंगी तो कोई देखने वाला भी रहना चाहिए ना। ओके बहुत स्मार्ट समझती है अपने आप को। बहुत सारा काम करना है। कैली तुम कहाँ जा रही हो अपने काम से बचने के लिए? मैं जा रही हूँ बाहर, मैं बड़ी हो गई। क्या तुम बाहर रहने जा रही हो हमेशा के लिए? हाँ यू आर राइट, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, खुद से कमाऊंगी। ओ तो तुम्हें ब्लैंकेट के पसंद, तुम्हें ब्लैंकेट मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो खुद से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें लूंगी। स्कार्फ और कोट कौन लेगा? ओके पर ये याद रखना, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो पैसे चाहिए। ओ ये पैसे कितनी स्टूपिड चीज है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ओ मैं बाहर आ तो गई पर मैं भूल ही गई कि मैं कहाँ रहूंगी। कैली तुम इतने रात को क्या कर रही हो यार, मतलब शाम को? मैं घर छोड़ के आ गई, मैं क्या क्या कैली तुम घर छोड़ के आ गई? मैं कितनी भी बड़ी हो गई पर मैं लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक में पढ़ी हूँ, बिना पेरेंट्स के हम जी नहीं सकते। ओ हाँ ये कितनी स्टूपिड चीज है, मैं रह सकती हूँ और करके भी दिखा सकती हूँ। ओके वेल डन, हम इट्स ओके। इन लोग मुझे छोड़ के चले गए? मुझे तो लगा इन लोग मेरी हेल्प करेंगे, मैं तो ड्रामा कर रही थी। रेम्बू रेम्बू रुको ना, क्या हुआ कैली? मुझे पता है कि मैं बड़ी हो गई पर क्या मैं तुम्हें अकेला ना लगे इसलिए मैं तुम्हारे घर पे रह सकती। मुझे नहीं पता, पर मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक्स, बाय। ठीक है वेलकम। ठंडी लग रही है मुझे, मुझे लगता है कि मुझे ले लेना चाहिए था स्कार्फ। मुझे ठंड लग रही है और भूख लग गई है। मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है पर मैंने कहा कि मैं मम्मा के साथ नहीं रहूंगी। डॉगी कितना तुम रास्ते के डॉगी हो, मैं सही हूँ पर तुम्हें ग्राउंड क्यों और गले में पट्टा? लगता है ये उदास और इसको किसी ने छोड़ दिया। मुझे गुदगुदे मत करो, गुदगुदे मत करो। ओ तुम्हें भूख लगी है, मुझे भी बहुत भूख लगी है। काश मेरे पास कुछ तो खाने को तो तब मैं तुम्हें देती और मैं भी खाती। एक डॉगी ने मुझे छोड़ दिया। सच्ची में मैंने बहुत बुरा किया अपने फैमिली के साथ। ये सब तुमने कहाँ से लाया? ऊपर थैंक्स। ओ वाह स्कार्फ कितने अच्छे हो तुम, तुम्हें नहीं भूख लगी है? हाँ चल हम दोनों मिलकर खाते हैं, वो पिज्जा बहुत टेस्टी था। क्या हुआ? मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? क्या तुम्हें रफ 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 बोलूं? सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हारा नाम रखना पड़ेगा। तुम्हारा नाम पप्पा डुगल। रुको 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 कुछ अच्छा सोचती। तुमने क्राउन पहना है, मैं तुम्हारा नाम क्राउन रख देती हूँ। अरे भाप इधर जोर से मत चिल्लाओ, कोई आएगा। तुम्हारा नाम हनी, तुम्हारा नाम हनी, तुम्हें पसंद आएगा? ओ कितने अच्छे हो। ओ नहीं तुमने मेरे कपड़े थोड़े गंदे। ओ पर रात हो रही, हम कहाँ रहेंगे माँ? अरे हनी कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो? रुक रफ 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 ठीक है तुम जहाँ बोले रहे हो।
ये इतना नरम नहीं है, पर वहाँ देखो एक ब्लैंकेट है। रफ, 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 रफ। ओ, ये अच्छा है, पर तुम बहुत प्यारे हो। गुड नाइट हनी। मम्मा, कैली की मुझे टेंशन हो रही है। ओ टेंशन मत लो, उसे एक लेसन सीखना चाहिए। और मैं ऐसा मत सोचना कि मुझे उसकी परवाह नहीं, पर मुझे पता है वो रह लेगी। अगर आप कहती हो तो रह लेती हूँ। ओ वैसे मुझे भी टेंशन हो रही है, पर सुबह तक मैं उसे ढूंढने जाऊंगी अगर नहीं आएगी तो। ट्रिन, 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 ट्रिन। आ, क्या हुआ? क्या क्या हुआ हनी, क्या हुआ? ये एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ, पर मेरा टैबलेट बंद हो गया। चलो अच्छा है, मैं और थोड़ा सो जाती हूँ। नहीं, मैं और नहीं सो सकती। आउच, ये गुफा कितनी छोटी है। ओ मुझे मम्मा से सॉरी भी बोलना है। हनी उठो जल्दी से। ओ पर मैं हनी को क्यों उठा रही हूँ, उसकी क्या जरूरत, वो तो एक स्ट्रीट डॉग है। चलो मैं चलती हूँ अपना बैग लेकर। ओ तुम मेरे बैग में नहीं आ सकती। ओ बाय हनी, पर बाय, मैं जा रही हूँ। मम्मा मम्मा, मैं आ गई, मैं आ गई, मैं आ गई। आ, क्या हुआ? कौन आया? कौन चोर आया? क्या मैं चोर हूँ मम्मा? ओ मैं तुम्हारी टेंशन ले रही थी। क्या हुआ, तुम क्यों आए? तुम तो खुद रहने गई थी ना। सॉरी मम्मा। मम्मा मुझे प्लीज घर में ले लो ना, मैं अब से मैं ऐसा नहीं करूंगी मम्मा। ओ कैली, मैं जरूर तुम्हें अपने घर में आने दूंगी, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगी तुम मेरी हेल्प करोगी। हाँ मम्मा, मैं अब आपके हेल्प करूंगी। तो तुम हमेशा वेलकम हो, पर मुझे बस एक क्वेश्चन पूछना है तुमसे। हाँ मम्मा, पूछो। कि तुम्हारे बैग में वो येलो येलो क्या है? क्या? राफ, राफ, राफ। हनी तुम यहाँ कैसे आए? मम्मा मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, पर क्या हम इस हनी को रख सकते हैं? हाँ जरूर, पर बस वन क्वेश्चन मोर। हाँ मम्मा। कि ये हनी कौन है? ये मैं जब बर्फों के बीच में ठंडी ठंडी हवा खा रही थी, मुझे इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी कि मैं पूरी जम गई। और फिर मुझे भूख लगने लगी, फिर मैं यार और मैं बेहोश होने वाली थी। और फिर हनी आया एक बड़ी सी स्कार्फ लेके, और बड़ा सा पिज्जा का वो पीस लाया, और हम दोनों ने मिलकर खाया। और एक बड़ी सी गुफा जिसमें बहुत गर्म गर्म हवा मिल रही थी, और एक बड़ा सा ब्लैंकेट जिसमें हम सो गए और सुबह उठ गए। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है यही सब हुआ होगा। रफ, रफ, रफ। ऊपसी। अब मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे डांटने के लिए, अच्छी बातें सिखाने के लिए दो दो मम्मी मिल गई। ओके, पर अब मेरा प्यारा सा स्पेशल ब्रेकफास्ट किसे चाहिए? मुझे। रफ, रफ, रफ। ठीक है, पैनकेक्स की वॉफल्स। हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारी अच्छाई के लिए ही सोचते हैं, इसलिए हमें उनकी बातें माननी चाहिए। क्योंकि क्या पता आपके पास कोई हनी जैसा फ्रेंड ना हो, या फिर आप लकी ना हो उतने, तो हमें घर छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सो मैं इसलिए नहीं बोली क्योंकि मैं एक पेरेंट्स हूँ, और ये सच है। तो बाय फ्रेंड्स।